हाय गाइस गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम एक अमेजिंग सी चीज़ पे बात करने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मतलब कहने का बेनिफिशियल और काफ़ी कुछ यहाँ की रेयर फ्रूट में से एक है, समझ लीजिए आप। ये तो खैर उसका शहतूत का प्लांट है, शहतूत का ट्री है, जो मैंने कटिंग से आपको लगाना बताया था, नहीं है तो मैं लिंक डाल दूँगी, ठीक है। तो आज मैं किस के बारे में बात करूंगी, ये ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट देखिए कितना बड़ा और लंबा हो गया है, हो गए हैं ये, समझे। तो इसको किसी भी चीज़ से सपोर्ट दीजिए, जैसे मैंने दिया है, देखिए मैंने रॉड है एक उसका, उससे मैंने रॉड सपोर्ट दिया है। तो आप भी ये ऐसे ऐसे जाते हैं, इधर उधर फैलेंगे, तो आप क्या करिए, कोई रॉड या कोई लकड़ियाँ, आपके पास लकड़ियाँ पड़ी हैं तो लकड़ियाँ लगा दीजिए। अगर आप ये सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल भी फ्रूटिंग पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको सही से प्रॉपर उसको फूड नहीं मिलेगा तो वो फ्रूटिंग पे नहीं आएगा। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। ये तो आप देख ही रहे हैं कि ये है ड्रैगन फ्रूट प्लांट, यानी कि चाइना फ्रूट है ये, और यहाँ पर मतलब बाहर के देशों में मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम इसकी वैरायटी थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे यहाँ पर भी आ गया। तो ये मिलते भी हैं बाज़ार में, रेड कलर का, येलो कलर का, तीन कलर में आते हैं ये, रेड कलर, येलो कलर और वाइट कलर। तो ये मेरा जो है वाइट कलर का है, और मैं वाइट कलर के मैंने सीड डाले थे, जो मैंने आपको उगाना बताया है, तो मैं लिंक डाल दूँगी और ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं इसके केयर के बारे में, सपोर्ट के बारे में तो बता ही दिया कि ये इसको इधर उधर जाती हैं इसकी ब्रांचेस, तो इसको और कटिंग के बारे में भी बताएंगे, सारा कुछ शेयर करेंगे आपके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है, और देखते रहिए एंटी एसआर इकोनॉमिक गार्डनिंग, ठीक है। तो क्या करिए आप, सबसे पहले अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो कटिंग कैसी लेना चाहिए, अगर आपके पास इसका इस तरह से प्लांट है और फ्रूट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करें, तो क्या करिए कि या तो उसका गमला छोटा पड़ रहा है जैसा कि मेरा है, मैं दूसरे में लगाने वाली हूँ आपके साथ, वो भी शेयर करूँगी मैं, ठीक है। तो वो मटेरियल क्या लें जो हाल के हाल फ्रूटिंग पे आ जाए, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से फ्रूटिंग पे आ जाए। तो क्या करना चाहिए आपको, आप गमला चेंज करें और उसमें कम से कम नहीं तो तीन चार रॉड्स का सपोर्ट दें उसको, और बांध दें इस तरह से दो तीन जगह ऊपर तक, अगर आपके बड़े हैं तो ऊपर तक बांध दीजिए, ठीक है। बांधने के बाद क्या करेंगे आप, मतलब कहने का पहले करिए ट्रांसप्लांट, उसके बाद बांधिए, ठीक है। तो ट्रांसप्लांट आप कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे कि पूरी मिट्टी को बाहर इसी तरह से निकालेंगे, बिल्कुल जैसी कि वैसी बाहर, पूरा रूट बॉल बाहर निकालेंगे, इससे इसका रूट बॉल पूरा बाहर निकालेंगे, निकालने के बाद दूसरे उसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। पहले आपको आधा, कम से कम आधे से थोड़ा कम मिट्टी भर लेना है, और उसके बाद फिर इसको रूट बॉल को रख देना है, फिर ऊपर से रूट बॉल को रखने के बाद क्या करेंगे आप, उसके ऊपर से मिट्टी, फिर इसको रखने के बाद रूट बॉल के ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, ठीक है। वो मिट्टी क्या होगी, वो मिट्टी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। वो मिट्टी में आप लेंगे किचन वेस्ट, अगर नीचे आपके पास थोड़े दिन का भी किचन वेस्ट है, जैसे आपने इकट्ठा किया है, तो कम से कम 8-10 दिन का किचन वेस्ट नीचे डाल के फिर ऊपर से मिट्टी डालिए। मिट्टी में आप क्या लेंगे, पुराना वाला किचन वेस्ट और वर्मी कंपोस्ट और पत्ती की खाद और मिट्टी, ये सब को, ये पूरा खाद मिला के एक हिस्सा लगा बना लीजिए, और एक हिस्से में रेत और एक हिस्से में मिट्टी डाल दीजिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप ऊपर से रूट बॉल के ऊपर से डालेंगे, और इतना डालेंगे कि अच्छे से ये ढक जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, कटिंग कैसी लेंगे, अगर आपको कई प्लांट बनाना है और कई पॉट्स मतलब तैयार करनी है,
तो आप क्या करें कि इधर से वो कैसी लेना चाहिए, आपको कहाँ से कट करना चाहिए, आपको यहाँ से कट करना चाहिए, ये जो दिख रहा है पतला सा हिस्सा, यहाँ से कट करना है। ये देखिए आप, इसमें भी है, ये बहुत अनहेल्दी सा है ये ब्रांच, तो ये यहाँ जो पतला हिस्सा दिख रहा है ये आपको, ये पतला हिस्सा, तो यहाँ से ये कट करिए आप। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे, वो नीचे वाले हिस्से को क्या करेंगे आप, इस तरह से कट करेंगे, ठीक है। इस तरह से कट करने के बाद मिट्टी लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए इस तरह से, बस। अब इसको जब तक ये मिट्टी सूखे नहीं, पानी देने के बाद जब तक ये मिट्टी सूखे नहीं, जब तक आपको पानी नहीं देना है। और जब जैसे ही आपका ये प्लांट तैयार होता है, बस अभी डालना है पानी, उसके बाद जब तक ये मिट्टी सूखती नहीं है जब तक इसको पानी नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो कटिंग की बात हो गई। अब जैसे आपने ये मिट्टी पूरी भर दी है उसमें प्लांटर में, यानी आपने ट्रांसप्लांट कर दिया है, उसके बाद पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद क्या करेंगे आप, एक 8 दिन के बाद, 8 दिन तक कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। 8 दिन के बाद जो किचन से जो लिक्विड निकलता है नीचे का, या फिर ऐसा करिए आप वेजिटेबल्स पूरी लीजिए, फ्रूट के छिलके लीजिए, तो फ्रूट के छिलके लेके पानी में डाल के उसको 8 दिन रखिए और वो पानी दीजिए, ठीक है, इसको 8 दिन के बाद, ट्रांसप्लांट करने के 8 दिन के बाद। उसके बाद क्या करिए आप, उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपके पास कच्चा जैसे वो किचन वेस्ट अपन बना रहे होते हैं ना, तो नीचे कुछ रखते हैं, कुछ रखते हैं तो उसमें ऊपर से जब अपन पानी देते हैं ना, तो पानी देने के बाद वो नीचे से जो लिक्विड निकलता है ब्राउन कलर का, डार्क कॉफ़ी कलर का, वो लिक्विड प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वो लिक्विड लीजिए, और कम से कम नहीं तो अगर 1 गिलास लिक्विड है वो, तो कम से कम 10 गिलास उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है, 10 गुना पानी डाल के इसमें दे दीजिए। तो 8 दिन के बाद देना है, हाल के हाल नहीं देना, या फिर तरकारी और फ्रूट के छिलकों का पानी 8 दिन रखने के बाद जब वो दीजिए, वरना आपको मतलब डाइल्यूट करके देना है। अगर आप अदरवाइज आप ऐसी दे देंगे तो आपके प्लांट को बहुत नुकसान हो सकता है, कहो सड़ जाए और कहो फंगस लग जाए, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही करना है जो मैं बोल रही हूँ, और आप थोड़े दिन में देखेंगे कि इधर से उधर से ब्रांचेस पूरे निकलते रहेंगे। तो आप यहाँ से ब्रांचेस निकल आए जैसे, तो क्या करें आप, फिर से इसी जगह से कट करना है आपको, सेम इस जगह से, जैसे ब्रांच निकली तो इस तरह से हिस्सा बन जाता है, यहाँ से कट कर दे और दूसरा प्लांट, दूसरे प्लांटर में लगा दीजिए एज ए कटिंग, और यहाँ से आप देखेंगे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहले फ्लावर्स आएगा फिर फ्रूट आएगा, तो फ्लावरिंग तैयार हो जाएगी और फ्रूटिंग तैयार हो जाएगी, आने लगेगी। तो बस यही बातों का आपको ख्याल रखना है, बाकी का नेचर खुद देख लेता है, ठीक है। हम जब गार्डनर जो है ना, सिर्फ वो प्लांटर में इतना ही ख्याल रख सकते हैं, बाकी नेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, नेचर देख लेगा बाकी का, ठीक है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो है मेरे चैनल पे, मैंने इसको कैसे उगाया ये सब मैंने बताया, तो मैं लिंक डाल दूँगी, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो, लिंक डाल दूँगी। अच्छे वीडियो कहाँ कोई देखते हैं, हाँ अगर डांस वांस का होता है तो लोग बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं और जल्दी वायरल हो जाते हैं, ये म्यूज़िक का रहन दो, डांस का रहन दो, कोई भी चीज़ का रहन दो, ये चीज़ें अच्छी चीज़ें कहाँ कोई देखने को मिलती हैं, कहाँ कौन देखता है, वैसे ही पड़े रहते हैं चैनलों पे कितनों के वीडियो, लेकिन कहीं नहीं, शौकीन थोड़े थोड़े लोग शौकीन हैं वही देखते हैं बस। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो हैप्पी गार्डनिंग, फिर मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ किसी न्यू वीडियो में, ओके।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।